उत्तर प्रदेश जिला बरेली में इलाज के दौरान विवाहिता की हुई मौत। मामला है बरेली के थाना सीसगढ़ के गांव मवैया जरेल निवासी प्रीति पत्नी वीरेंद्र खाना बनाते समय जली महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के भाई ने बताया 15 अक्टूबर को खाना बनाते समय सिलेंडर लीक हो गया था, आग लग गई जिससे प्रीति गंभीर रूप से जल गई। क्या हुआ था, कैसे खाना बनाते समय सिलेंडर से लीक हो गया था सिलेंडर, उसके बाद आग लग गई। कुछ लोगों ने बचाया, बचाते जल गई थी। लगभग 15 दिन उसमें निशान में एडमिट रही थी और आज रात में मृत्यु हो गई 12:45 मिनट की। शादी कितने साल हो गई? शादी को 10 साल हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। किसी प्रकार कोई आरोप तो नहीं? कोई आरोप नहीं है। उत्तर प्रदेश जिला बरेली में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, हुआ एक घायल। आपको बता दें बरेली बाइक पर सवार 2 साड़ुओं को बीसलपुर रोड पर सामने से आ रही दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक साड़ू की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। मौका पाकर टक्कर मारने वाला बाइक सवार भाग निकला। बित्री पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा, सबको मार्चरी में रखवा दिया गया। भूता के गुलड़िया निवासी संजय पुत्र भूपराम मजदूरी करते हैं। ये गुलड़िया से रामनगर आ रहे थे अपनी साड़ू के यहाँ से, रास्ते में हंडा मोटरसाइकिल साइन से एक्सीडेंट हो गया SR स्कूल के पास। मोटरसाइकिल पकड़ गए दोनों थाने में। कहाँ की घटना है? ये बीसलपुर SR स्कूल। क्या करते थे? मजदूरी। शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। उत्तर प्रदेश जिला बरेली में ग्राम पंचायत नगरीय कला विधन खंड शेरगढ़ में शौचालय निर्माण की जांच कराने की मांग की। आपको बता दें मामला है बरेली के मिडईलाल पुत्र चेतराम निवासी ग्राम नगरीय कला विकास खंड शेरगढ़ निवासी ने गांव में भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण कराए जा रहे थे। प्रांतीय के गाँव में शौचालय निर्माण में काफ़ी बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी धन का दुरुपयोग किया जाता है, लाभार्थी से धन की उबाई की गई। कई लोगों के नाम से सिर्फ दस्तावेज से शौचालय निर्माण दिखाकर सरकारी रुपए निकाला गया जबकि मौके पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। गांव में आज तक रात्रि चौपाल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किए गए थे। क्या नाम है आपका? अमित गंगवार। क्या समस्या बताइए? हमारा गाँव ग्राम पंचायत नगरीय कला विकासखंड शेरगढ़ पड़ता है। हमारे गाँव में जो पंचायत निधि द्वारा डीप निर्माण है, खड़ंजा कार्य है या स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट से शौचालय आए थे, शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं। ना डीप जो डीपो के नाम पर पैसा निकाला गया, उसमें आधी डीपे बनी हुई है, आधियों के नाम पर ऐसे ही पैसा निकाल लिया गया, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। बाकी प्राथमिक विद्यालय है उसमें दो शौचालय हैं, केवल शौचालय की मरम्मत के नाम पर 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपये निकाला गया, जबकि शौचालय दो शौचालयों की मरम्मत 10,000 रुपये में पर्याप्त तरीके से हो जाएगी। कराई भी नहीं है, मरम्मत भी नहीं हुई है। ग्राम प्रधान। क्या नाम है? प्रेमवती। प्रेमवती कहाँ की है? प्रेमवती राठौर हमारे गांव की है, नगरीय कला की। थाना शेरगढ़। थाना शेरगढ़। अब आपके डीएम साहब से मिले? हाँ। डीएम साहब मिल नहीं पाए, एडीएम साहब थे, एडीएम साहब ने डीपीआरओ साहब को सफर पत्र भी लगा हुए, डीपीआरओ साहब को मार्क कर दिया। उत्तर प्रदेश जिला बरेली में बेटी को घर से बेदखल करने पर बेटे ने कराई लूटपाट। आपको बता दें घर से बेदखल करने के नाराज बेटे ने अपने साथियों के साथ लूट की। यह आरोप है कि जतनगर रहपुरा चौधरी गांव का जैबून निशा कलेक्टर पहुंची। जैबून निशा ने बताया कि उसका बेटा रहमत गलत संगत में रहता है, इस वजह से उसने 15 दिसंबर को अपने बेटे घर से बेदखल कर दिया। रहपुरा चौधरी। क्या हुआ था? मेरे भाई के ससुराल वाले और उसकी सास ने सालों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मारा पीटा और मेरी मम्मी के घर में से जो मेरा सामान था, मम्मी का सामान था, और वो सब निकाल के मेरी भाभी उसकी सास माँ सब लोग ले गए। कौन लोग ले गए? भाई के ससुराल वाले, सास साले मेरे साथ बदतमीजी करी उन लोगों ने बहुत ज्यादा। असली हरकत करी? जी असली हरकत करी, बहुत बदतमीजी करी। क्या क्या ले गए आपका सामान? मेरी मम्मी के कानों के ले गए, 2 अंगूठी ले गए, 20,000 रुपए रखे हुए थे जो हमने ब्याज पे सुनार से लिए थे। आपकी भावत को कहाँ ले गए? मेरी भावत और उसकी माँ ले गए चुरा के, हम मारपीट के दौरान। भाभी कहाँ है आपकी? वो अपनी माँ के घर चली गई है। विवाद क्या है? विवाद ये है मेरी मम्मी को मारते हैं कि घर हमारे दामाद के नाम करो।
हमारी बेटी के नाम करो, लेकिन मेरी मम्मी का कोई है नहीं, वो रांडवेवा है, इसलिए उन्हें बहुत सताते हैं।